प्रिज्म। प्रिज्म जो आपको यूज करना है, जो आपको यूज करने से प्रिज्म की जो है स्पेक्ट्रम शो कर रहा है इसका प्रिज्म, और प्रिज्म जो स्पेक्ट्रम शो कर रहा है वो 7 लाइन में हो रहा है, 7 बैंड में है। ओके, इसके अंदर आपके पूरे कलर्स आ रहे हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो प्रिज्म से आपको डिविशन निकालना है, यानी कि विचलन कौन निकालना है। तो आपका जो प्रिज्म का जो शेप है वो इस टाइप से होना चाहिए कि इसके ऊपर जो इंसिडेंट होने वाली रे है और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्शन रे दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। यदि आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे आ रही है, इसका मतलब है आपका जो प्रिज्म नहीं है, आप वन साइडेड काम कर रहे हैं, वो है वन साइडेड जहां पर आपका रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। ओके, तो यहां से यदि आप कोई लाइट ड्रॉप कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट, ये लाइन जो है ड्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद में आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ये लाइट। इस लाइट के साथ में आपके पास में एक डॉटेड लाइन से और यहां से भी डॉटेड लाइन से एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, और इस एंगल को क्यू एन और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यही वाली जो लाइन जो इंसिडेंट रे है आपकी, इसका प्रिज्म के अंदर इनर साइड में इस टाइप से ये, और ये जो रिफ्रैक्शन वाली रे है इसको इस टाइप से आप यहां कर दीजिए, यहां पर एंगल डेविएशन डी डेवलप। ये है आपका एंगल आई, ये है आपका एंगल ई, जिसको इमर्ज रे भी कह रहे हैं। इंसिडेंट रे, इमर्ज रे और रिफ्लेक्शन वाली रे है वो है आपकी आर वन और है आपका आर टू, और ये एंगल बन रहा है। इस एंगल का यहां पर एक एंगल बन रहा है ए। इस टाइप से आपका पूरा प्रिज्म डिजाइन किया। अब इस प्रिज्म को डिजाइन करने से जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू निकालना है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उस म्यू का फॉर्मूला जो है आपके पास में है, वो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। और साइन आई और साइन आर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपका ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्शन रे, तो इमर्ज वाली रे को आप यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे इसके लिए आपके पास में साइन ए प्लस जो है डीएम बाई टू और साइन ए बाई टू के फॉर्मूले को यूज करके आप इसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें। अब आप किसकी वैल्यू फिक्स है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं प्रिज्म, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आपके पास में आनी चाहिए वो म्यू इज इक्वल टू 1.5, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आप जो है जैसे आप ड्रॉप करेंगे ये कार्डबोर्ड जो आप यूज करेंगे इस टाइप का जो है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है पेपर को अपने थंब पिन से इसको सेटअप कीजिए, और सेट करने के बाद में इसकी मिडल से एक पेंसिल से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपके पास में नॉर्मल ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और नॉर्मल ड्रॉप करके प्रिज्म को सेट करके आप इसके अंदर इंसिडेंट रे का एंगल 30, 45, 50, 60 आप लेंगे, और उसके हिसाब से आपकी जो है रिफ्रैक्टिव इमर्ज रे काउंट होगी। इसको यूज करने के लिए किस टाइप से आप इसका जो है यूज करें, तो आप जो ड्राइंग बोर्ड को यूज कर रहे हैं उसमें जो पेपर सेट किया हुआ है उस पेपर को यूज करने के लिए जो आपके पास में एंगल है, सपोज आपके पास में इस टाइप की एक लाइन आपने पेपर पर ड्रॉ की है, तो यहाँ पर नॉर्मल आप D से आप D को यूज करें और D को यूज करके जो है 90 एंगल का बनाएं, और इस लाइन को आगे की ओर इस टाइप से, फिर आप प्रिज्म को सेट करें और ये प्रिज्म सपोज इस टाइप से, ओके सर। अब इसी D को, D का मतलब है आपका जो प्रोटेक्टर चांदा जो कह रहे हैं उसको, उससे लेकर के यहाँ पर इस 90 डिग्री से आप 30 की लाइन को ड्रॉ करें। अब इस प्रिज्म के अंदर जो आपको प्रिज्म है उस प्रिज्म की ग्लास के अपोजिट ग्लास से आप देखेंगे तो ये लाइन आपको यहां पर कॉन्टेक्स आपकी ड्रॉप होगी।
आप इस लाइन को आगे की ओर निकाले, इसको इनर साइड पर ले जाए, ये आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये है आपका डी जिसको आपको काउंट करना है। ओके, इसका ग्राफ प्रॉपरली वे में आना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को यदि आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा आपका, और ये ग्राफ ही आपको शो करेगा कि आपने एग्जैक्ट यदि आपने डेविएशन एंगल बनाया या नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ इस पैटर्न में। तो यहां पर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहां है आपका जो है एंगल ऑफ डेविएशन, यह है डेल्टा है, और यहां से इसको एग्जैक्ट अपन इस टाइप से लेंगे तब आपके जाके ग्राफ प्लॉट एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ओके, चले आइए प्रैक्टिकल पर। इसके अंदर जो है ये आपका जो ड्राइंग बोर्ड है, इसमें व्हाइट शीट है, इसके ऊपर आपने जो लाइन ड्रॉप की है, स्केल से आप इसको डिस्टेंस इसको मेजर कर लीजिए। सपोज यहाँ पर इसकी 7 पर आ रही है, फिर अगेन एक और ये गैप रख दीजिए इतना 7 पर, और आप अपने जो है डी को यहाँ पर पुट करके, और नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के ऊपर पॉइंट कर दीजिए, और एक स्ट्रेट लाइन और यहां से डॉटेड लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए। अब आप अपना प्रिज्म को यूज कीजिए और इस प्रिज्म को इस टाइप से इसका यहां पर सेटअप कीजिए कि ये, अब इसको सेटअप करने के लिए सर कैसे मालूम पड़ेगा कॉर्नर से, तो यहाँ कॉर्नर से कट होने वाली लाइन आनी चाहिए, इसको देख लीजिए आपके पास में, यहाँ कॉर्नर से लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन जो है कॉर्नर से टच होकर जानी चाहिए इस टाइप से, तो ये मिडल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इसका। ओके, और आप अपनी जो है थम को उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए जिससे कि ये फिक्स हो जाए, और पेंसिल से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी पेंसिल आए, अगेन स्केल को लेकर के इसको एग्जैक्ट बना दीजिए। ओके, अब आप अगेन डी को लेकर के यहां पर रख करके 90 डिग्री से 30 डिग्री का एंगल बनाइए। अब आपका 30 किस टाइप से बनता है, देखिए 30 कहेंगे तो हमारी लाइन इस टाइप से आएगी, तो इसको दो पैटर्न से बनाया जा सकता है, या तो यहाँ पर करके बनाइए या फिर इस डी को इस टाइप से रख दीजिए। और आपका जो 30 है वो इस टाइप में यहाँ आ जाएगा। अब आराम से इजीली आप इस लाइन को आगे की ओर, अब आप अपने थंब सब को हटा दीजिए और ऑल पिंस को यहां पर ड्रॉप कीजिए। ओके, और प्रिज्म को आप सेटअप वापस अगेन कीजिए, और सेट होने के बाद में आप टेबल की इस साइड से आराम से इजीली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर थंब पिन दिख रही होगी, लाइन बहुत सिंपल सी दिख रही होगी, इस वाली फेस के ऊपर यहाँ पर थंब पिन दिख रहा है आपको। ओके, इसलिए यहाँ आकर के देखना है सबको इस साइड से थंब पिन, तो पहले मैं एक एग्जैक्ट यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दूँ, इसके बाद में आप देख लेना, 2 थंब पिन को लीजिए, और ये ध्यान रखिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है, इस वाले फेस पर नहीं देखना, इस वाले फेस पर देखना है, उस फेस की जो ऑलपिंस है उस ऑलपिंस को की नॉक की अकॉर्डिंग आपको पॉइंट ड्रॉप करना है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस जो है इजीली ड्रॉप कर लीजिए, इस टाइप से ड्रॉप कर लीजिए। अब आप इजीली जो है डिवीशन एंगल निकाल दिया। अब आपका सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी पेंसिल से लेके जो आपने ड्रॉप किया उसको सर्कल बना दीजिए, और स्केल से इसको इजीली
पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट को आपको मेजर करना है, और मेजर करते हुए ये आपका जो एंगल बन रहा है इस साइड के अंदर, ये आपका डिवीजन एंगल है। अब आप ऑल पिन सारी निकाल दीजिए इजीली, डी का यूज़ कीजिए, और अगेन यहाँ पर आप जो है यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल आपको यहाँ पर दिखता हुआ मिलेगा। ये आपका जो है 30 ड्रॉप किया था, तो ये आपका आ रहा है 40 और 45 की रेंज की मिडल में है, यानी कि इसको आप 42 डिवीजन आ जाएगा। ये आपका है यहाँ पर एंगल कितना आपने इंसिडेंट किया था, 30 डिग्री यहाँ पर आपका इतना। इस टाइप से आपको सारा मैनेज करके करना है, ये सेल्फ आपको करना है। ओके okay?